अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बायोलॉजी क्लास नाइन्थ की जो रिमेनिंग ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी रहती थी आज उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास ब्रांच है बायोलॉजी की वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर बच्चों इन्वायरमेंट देखे, सबसे पहले जो वर्ड है मैं कहता हूँ आप कट किया करें। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब है हमारे सराउंडिंग, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा माहौल। बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम एनिमल्स के इन्वायरमेंट के अंदर इंटरेक्शंस, यानी मुख्तलिफ एनिमल्स का आपस में इंटरेक्शन और मुख्तलिफ एनिमल्स का आपस में इंटरेक्शन के बाद जो है वो उसके इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन, ये क्या कहलाता है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, यानी जानदारों का अपने माहौल के साथ जो ताल्लुक है वो क्या कहलाएगा? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। उसके बाद बच्चों अगली अब हम ब्रांच के बारे में जानेंगे, सोशल बायोलॉजी। सोशो, ठीक है, ये सोशल से वर्ड जो है वो डेरिवेटिव है, यानी सोशल बायोलॉजी जानदारों का मुआशरे के अंदर मुआशरती बिहेवियर, ठीक है, किसी सोसाइटी के अंदर अगर जानदार रह रहे हैं तो उनका जो है वो सोशल बिहेवियर क्या है, दूसरे जानदारों के साथ जो है वो रवैया कैसा है, इन तमाम बातों का जो इल्म है वो हम बायोलॉजी की ब्रांच सोशल बायोलॉजी के अंदर जानते हैं। उसके बाद बच्चों पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट के बारे में आपको बता दूं कि ये ऐसे जानदारों का एक ग्रुप है जो कि अपनी जो खुराक है उसका इन्हसार दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे करता है, यानी ये जो है ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये हेटरोट्रॉफिक की एक टाइप है जिसको हम पैरासाइट का नाम देते हैं, यानी ये बनी बनाई खुराक जो है, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये एक होस्ट है, यानी ये एक होस्ट की बॉडी से अपनी खुराक को लेता है, ठीक है, यानी गेस्ट बन के होस्ट की बॉडी से अपनी खुराक लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लीच जोंक के बारे में जानते हैं, ठीक है, वो ब्लड सक करती है, वो एक पैरासाइट है। उसके बाद ये आप ये खटमल कह सकते हैं, इस तरह ये मॉस्किटो एक मच्छर है, ये भी एक पैरासाइट है, यानी ऐसे जानदार जो के होस्ट के जिस्म से अपनी खुराक लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट। और पैरासाइट का मतलब ही असल में क्या कहलाता है? पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगली ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। के बारे में आपको कई डेफिनेशन के अंदर बताया है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंसान की वेलफेयर के लिए, मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए मेडिसन बनाई जाती है या यह खुराक की सनद में इस्तेमाल होती है, ये तमाम बातें जो हैं हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जानदार हैं जो कि हम जिसको हम नेक आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हैं, इनसे इनको यूटिलाइज़ करते हुए अगर हम इनको मैनकाइंड की या इंसानियत की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये ब्रांच कौन सी ब्रांच कहलाएगी? बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद शॉर्ट डेफिनेशन देखते हैं इम्यूनोलॉजी की। इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनिटी के बारे में जानते हैं। इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजी इम्यूनिटी से ली गई ब्रांच है, यानी ये कह सकते हैं आप कि इम्यूनोलॉजी यानी ये मेडिकल साइंस की या बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम इम्यून सिस्टम का मुताला करते हैं। कभी कभी आपने देखा कि हम या आप में से कोई भी बंदा जो है, बच्चा जो है, वो बीमार होता है और उसके बाद एक दो दिन के बाद वो तंदुरुस्त हो जाता है। ऐसा क्यों है? कि हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि इन माइक्रोब्स के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ता है, फाइट करता है और हमें तंदुरुस्ती की तरफ लेकर जाता है। ऐसा सिस्टम जो कि डिजीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो रिएक्ट करता है और हमें तंदुरुस्ती की तरफ लेकर जाता है, ऐसे सिस्टम को कहते हैं इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम को हम जब साइंटिफिकली देखते हैं, पढ़ते हैं कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो कैसे काम कर रही है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये बायोलॉजी की ब्रांच इम्यूनोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी जानदारों का एक ऐसा ग्रुप है जिसको हम इंसेक्ट्स का नाम देते हैं, इंसेक्ट्स, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं द स्टडी ऑफ इंसेक्ट कॉल्ड इंटोमोलॉजी। इंसेक्ट्स क्या हैं? जिनकी आपने देखे होंगे ये बीज है, ठीक है, हनी बीज है, ठीक है, इसके बाद ये फ्लाइज हैं,
ठीक है। इसके बाद कई मतलब दीमक है, कई ऐसे मतलब ये इंसेक्ट आपको नज़र आ रहे मॉस्किटो है जिनके जोड़दार टांगे हैं, ठीक है, और उनकी बॉडी के 3 पेयर हैं, यानी वो हेड है, थ्रॉक्स है, और उसकी बॉडी है, यानी सर, दाढ़ और पेट, ये इनकी खसूसियात हैं, ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स हैं। लेकिन इंसेक्ट के मतलब को आप सिंपल कह सकते हैं कि इंटोमोलॉजी से मुराद ये है कि इंसेक्ट के मतलब को क्या कहते हैं, इंटोमोलॉजी, इंसेक्ट के मतलब को इंटोमोलॉजी, ठीक है। बच्चों अगली हमारे पास डेफिनेशन है फार्माकोलॉजी की, या हमने इस ब्रांच के बारे में जानना है कि बायोलॉजी की ब्रांच, मेडिकल की ब्रांच, फार्माकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसके अंदर हम जो अद्वियात लेते हैं उसका इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर देखते हैं कि जो हम ड्रग लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वो बॉडी के अंदर जाके क्या इफ़ेक्ट करती हैं जिसकी वजह से हमें तंदुरुस्ती मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रग जो है वो क्या रिस्पॉन्स करती है हमारी बॉडी के साथ, ठीक है, कौन सा बिहेव करती है, और हमारी बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या बिहेव करती है। इन तमाम बातों का जो मतलब है वो हम मेडिकल की ब्रांच फार्माकोलॉजी के अंदर करते हैं। ये थी बच्चों ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के जो तीनों हमारे पार्ट हैं वो हम पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा उसके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।